हेलो फ्रेंड, तो आज मैं आपको एक ऐसा एक्सटेंशन बताने वाला हूँ या ऐसा एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिससे आप किसी भी फॉर्मेट की वीडियो को आप MP4 में कन्वर्ट कर सकते हो, या MP4 की वीडियो को आप WVBM फॉर्मेट भी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से, और बहुत ही इजी टू फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। और वो उसके लिए कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसको यूज़ कर सकते हो। तो उसका नाम है एनी वीडियो कन्वर्टर। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। देन उसके बाद आप इसको इस तरीके का इंटरफेस इसको ओपन हो जाएगा। इसमें मल्टीपल फीचर हो जाती है, यहाँ से आप वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हो, आप एडिटिंग भी कर सकते हो। दो वीडियो को अगर आपको मर्ज करना है, मतलब बेसिक लेवल की एडिटिंग भी इसके अंदर हो जाती है, तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। किसी भी वीडियो को डाउनलोड करना है, बहुत सारे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि क्रोम की वीडियो को कैसे डाउनलोड करें, या यूट्यूब की वीडियो को कैसे डाउनलोड करें, या फिर आप सबसे जो मेजर इशू आता है वो आता है फेसबुक। फेसबुक की वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है किसी के पास भी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। किसी भी वीडियो को कन्वर्ट करना है, इट मीन्स कि उनका उसका फॉर्मेट कन्वर्ट करना है, जिप को MP4 बनाना है, MP4 को जिप बनाना है, या फिर वीडियो के केस में मैं बात कर रहा हूँ, WVBM फाइल को आप MP4 बनाना चाह रहे हो, बिकॉज उस स्क्रीन कास्टिफाई या IO टूल से आप जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, तो उसमें वेब की एक फाइल बनती है जो कि बट नीड पड़ती है। अगर आप किसी को भेजना चाहते हो तो उसको MP4 चाहिए होती है, तो वो भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो एनहांसर से आप उसकी क्वालिटी वगैरह बढ़ा सकते हो, ये एक AI टूल है, इससे चिप बना सकते हो, कलर एडजस्टमेंट भी यहीं पे हो जाता है, वाटरमार्क भी आप अपने वीडियो में लगा सकते हो। अगर आपने वीडियो एडिटिंग किया है और उसको आप कहीं पे अपलोड करने का प्लान कर रहे हो सोशल मीडिया पे, या फिर पब्लिकली आप उसको कहीं प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि आप उस वीडियो के ऊपर आपका एक वाटरमार्क आ जाए, तो वो भी आप यहाँ पे यहाँ कर सकते हो। तो ये एक सिंगल एप्लीकेशन आपको इतनी सारी फीचर दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आप अपना वर्क फ्लो बना सकते हो। तो ये तो बात की बात होगी। अभी हम देखते हैं वीडियो कन्वर्टर, हम इसकी एक एप्लीकेशन यूज़ करके मैं आपको एक एक वीडियो में एक दिखाऊंगा, बाकी मल्टीपल वीडियो हम बनाएंगे इसकी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। तो वीडियो कन्वर्ट कैसे होगी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये मैंने ओपन किया इस तरीके से, और ये वीडियोस यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऐड वीडियो, ऐड वीडियो पे फाइल आ जाएगी। यहाँ से मुझे डेस्कटॉप से एक फाइल ले लेता हूँ मैं, ये वाली, और इसका आप एक्सटेंशन देखेंगे, ये है WEBM, ये एक एक्सटेंशन है, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, इसकी डायमेंशन वगैरह सब यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। ये 5 मिनट 48 सेकंड की वीडियो है, S24 रेशो में रिकॉर्ड हुई है, 1920x2080 का इसका फ्रेमवर्क है, ये 29 फ्रेम है, सॉरी ये रेजोल्यूशन है, और ये फ्रेम है इसका, कितने फ्रेम में हुई है, ये इसकी फाइल साइज आगे, देन एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जो आपको कन्वर्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। MP4 मिल जाएगा, AVI मिल जाएगा, M4V मिल जाएगा, WMV मिल जाएगा, MOV मिल जाएगा। तो इतने सारे एक्सटेंशन आपको वीडियो फॉर्मेट के, इतने सारे एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड है वो बिल्कुल फ्री। तो मैं यहाँ पे कस्टम MP4 ले लेता हूँ। देन उसके बाद ये आता है वीडियो रेजोल्यूशंस, वीडियो की जो रेजोल्यूशंस है वो क्या रखनी है, आप रेजोल्यूशंस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग भी आप उसको यहाँ से कर सकते हो। कस्टम का भी एक ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी वीडियो है और लेफ्ट साइड से क्रॉप हो जाए, या राइट से क्रॉप हो जाए, या बढ़ जाए या कट जाए, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी मैं 100 पर ले लेता हूँ। देन उसके बाद वीडियो वीडियो को सिंपल यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना है, और देन उसके बाद इसको स्टार्ट कर देना। और ये जो कन्वर्ट करेगा वीडियो को, वो इतनी इतना फास्ट करेगा कि आप प्रीमियर प्रो में अगर ये करना चाहें, इनफैक्ट प्रीमियर प्रो में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते।
प्रीमियर प्रो इस फाइल को सपोर्ट ही नहीं करता, WEBM फाइल को सपोर्ट ही नहीं करता, तो आप उसको फॉर्मेट भी चेंज नहीं कर सकते। बट अगर अदर एप्लीकेशंस से आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन कन्वर्टर जो मिलते हैं उसमें अपलोडिंग टाइम लगता है, देन उसके बाद वो कन्वर्टर टाइम लेता है, फिर उसको डाउनलोड करना आता है, तो वो तीन प्रोसेस हो जाते हैं और वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। उसमें अपलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, फिर कन्वर्टिंग टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, और फिर उसको डाउनलोड करना, तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, 140 MB के अराउंड की एप्लीकेशन है, वन टाइम इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। तो अभी मैंने ये कन्वर्ट किया था, 5 मिनट की वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है, और ये देखिएगा आप, ये आधे से ज़्यादा वीडियो कन्वर्ट कर चुका है। एस्टिमेशन टाइम यहाँ पे आ जाएगा आपको, 1 मिनट और लगने वाली है इसको कन्वर्ट करने में, अराउंड टाइम इतना लगने वाला है। एंड ये यहाँ पे सब तरीके का चल जाएगा, फाइल साइज इतना हो गया है, प्रोसेसिंग स्पीड इतनी आ रही है, 2.2x, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने का भी सिंपल एक मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ क्रोम पे जाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पे क्रोम पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे वीडियो कन्वर्टर, एनी वीडियो कन्वर्टर जो फर्स्ट लिंक आपको मिलेगा ये वाला, देन ये लिंक हो गया, इसका नया वर्जन है कन्वर्टर फ्री, ये कन्वर्टर फ्री 8.1, ये भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस डाउनलोड, यहाँ से आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका प्रीपेड प्लान भी आता है, बट अगर आपको उसमें एडिशनल फीचर मिल जाती है, एडिटिंग लाइन, जब आप एडिटिंग करेंगे वहाँ पे एनिमेशन आपको चाहिए, टेक्स्ट कैप्शन उसमें चाहिए, टेक्स्ट एनिमेशन वहाँ पे चाहिए, तो वो उस केस में है। आपको फिर वहाँ पे ये इमेजेस भी प्रोवाइड कराएगा, टेम्पलेट भी प्रोवाइड कराएगा, मल्टीपल फीचर आपको एनिमेशन देगा, या फिर इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको, कलर करेक्शन के मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, प्रीपेड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, तो वो वहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आपको वो यूज़ करना है तो। अदरवाइज आप सिंपल इसको फ्री वाला यूज़ करिए और आपका काम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं हम अपने वीडियो पे, तो हमारी वीडियो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुकी है और डाउनलोड हो गई है, प्रो फ्री अपग्रेड नाउ, नो ओके।